हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इन टू माई चैनल एज एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं 25 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 12.5 पर एनम फॉर 6 ईयर्स इज 13,500 लेस देन द प्रिंसिपल, फाइंड द इन सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें, सिंपल इंटरेस्ट कितना है, प्रिंसिपल से 13,500 लेस है, इज इक्वल टू पी इंटू 12.5 एंड मल्टीप्लाई करेंगे इसको 6 से, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से इसको कैंसिल आउट करके नीचे एक ज़ीरो लगा देते हैं एंड ये हो जाएगा हमारे पास हाउ मच 5 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 40, ये हो जाएगा 8, और ये हो गया 3 एंड 4। ठीक है, तो अगर हम इस 4 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4p माइनस ऑफ 54000 इज इक्वल टू 3p, यानी कि p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 54000। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट हो गया पी माइनस 13500, और ये हो जाएगा हमारे पास 00504, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो गया। मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एंड यूजिंग कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ 75। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30, राइट। तो अगर हम इसमें इसको कन्वर्ट करें तो अल्फा कितना है हमारे पास, sec 45 इंटू sec 30 इंटू cosec 45, कॉसेक 45 इंटू ये हो गया कितना, कॉसेक 30, डिवाइडेड बाय ये हो गया हमारे पास सेक 45 इंटू कॉसेक 30 प्लस ये हो गया कॉसेक 45 एंड इंटू सेक 30। ठीक है, तो ये अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ये हो गया √2 इंटू 2/√3 इंटू √2 इंटू √2 डिवाइडेड बाय √2 इंटू 2 एंड ये हो गया प्लस √2 इंटू 2√3 2 डिवाइड बाय √3, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ आ गया हमारे पास 8√3 डिवाइडेड बाय 2√2 प्लस 2√3 √2 एंड ये हो गया √3। ठीक है, अब अगर हम इसको √3 को एलसीएम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 8√3 और √3 कैंसिल हो गया, नहीं ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कितना, √3 और √3, हाँ तो ये हो, ये है हमारे पास 8/√3, हाँ वही मैं सोचूँ ये कैंसिल होना था, तो 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2√6 प्लस 2√2। ठीक है, अब हम इसको रेशनलाइज करेंगे, उसका मतलब ये कि ऊपर और नीचे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 माइनस 2√2 से। तो यहाँ मैं कर देती हूँ इसको सॉल्व, 8 इंटू 2√6 माइनस 2√2 डिवाइडेड बाय 2√6 प्लस 2√2 इंटू 2√6 माइनस 2√2, तो ये हो गया कितना, ये हो जाएगा हमारे पास 16√6 माइनस 16√2 और ये हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस 8। यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 को कॉमन ले लेते हैं, तो 16
और ये हो गया रूट सिक्स माइनस रूट टू डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 16, तो 16 और 16 तो कैंसिल हो गए, सिक्स रूट टू माइनस नहीं रूट सिक्स माइनस रूट टू हमारा आंसर हो जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री एंड ये बोल रहा है कि राम हैज़ एन एवरेज स्कोर ऑफ 65 रन्स इन 19 इनिंग्स इन अ क्रिकेट मैचेस, हाउ फाइंड आउट हाउ मैनी रन्स आर टू बी स्कोर्ड बाय हिम इन 20th इनिंग्स टू रेज हिज एवरेज टू 67। ठीक है, तो टोटल स्कोर ऑफ 19 मैचेस हम निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 65 इंटू 19 विच इज़ इक्वल टू 1235 रन्स। 20th का हमें निकालना है कितना, मतलब एवरेज कितना हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए 67 इंटू 20 विच इज़ इक्वल टू 1340, माइनस कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 105, यानी कि उसको 105 रन चाहिए होंगे टू इम्प्रूव हिज स्कोर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर एंड ये बोल रहा है कि द मेटालिक क्यूब हैज़ ईच साइड ऑफ 12 सेंटीमीटर्स, इट इज़ मेल्टेड टू रिकास्ट इनटू थ्री स्मॉलर क्यूब्स, आउट ऑफ थ्री क्यूब्स टू हैव द साइड ऑफ 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली, द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज़। तो पहले हम वॉल्यूम दोनों साइड का इक्वल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 क्यूब, ये हो जाएगा 6 क्यूब और ये हो जाएगा 8 क्यूब और यहाँ हो जाएगा x क्यूब, इसकी वैल्यू आ गई 1728, यहाँ हो जाएगा 216 और ये हो जाएगा 512 और ये है x क्यूब। इन दोनों को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1728 माइनस 728 इज़ इक्वल टू 1000 और 1000 का स्क्वायर रूट हम निकालते हैं 10 हो गया, क्यूब रूट निकालते हैं तो 10 हो गया एंड आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फाइव एंड इट इज़ सेइंग कि द पुलिसमैन स्टार्ट्स चेजिंग अ थीफ व्हेन ही वाज ऑलरेडी 600 मीटर्स अहेड, इफ़ द पुलिसमैन इज़ रनिंग एट 9 km/h एंड थीफ इज़ रनिंग एट 8 km/h, द थीफ वुड बी कॉट इन द डिस्टेंस ऑफ। ठीक है, तो अगर हम रिलेटिव स्पीड निकाल लें, दोनों एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं तो माइनस होगी, दैट इज़ 9 - 8 विच इज़ इक्वल टू 1 km/h। km/h को हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि हमें आंसर मिल जाए किस में, मिनट्स पर सेकेंड में, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास मिनट्स हैं। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 600 से 5/18 को और ये हो जाएगा, ये है क्या हमारे पास टाइम, तो ये गया कितना 120 एंड इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 2160 सेकेंड्स। इसको अगर हम कन्वर्ट कर लें किस में, आर्स में, तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा 3600 से। तो पहले इसको ऐसे ही रखते हैं एंड हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है कि देन द थीफ वुड बी कैच ऑन द डिस्टेंस ऑफ, तो डिस्टेंस हमें पता करना है कि पुलिसमैन कितना भागा है, पुलिसमैन की स्पीड है 9 और टाइम हमारे पास कितना आया, ये आया 2160 डिवाइड बाय 3600, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया हमारे पास कितना 72 टाइम्स और ये गया हमारे पास 120, देन है हमारे पास 3 और ये गया हमारे पास 40 और ये है हमारे पास कितना, एट फाइव ज़ा 40, एट नाइन ज़ा 72, तो ये हो जाएगा कितना 27/5 एंड ये हो गया कितना 5.4 किलोमीटर्स भागने के बाद वो पकड़ा जाएगा विच इज़ ऑप्शन नंबर फोर करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स एंड ये बोल रहा है कि अ शॉपकीपर बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ एप्पल्स फॉर रुपीज़ दिस मच, ही सोल्ड 1/5 ऑफ देम एट द लॉस ऑफ 10% एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एप्पल एट द लॉस ऑफ 5%। ठीक है, एंड 2/3 ऑफ द रेस्ट एट द प्रॉफिट ऑफ 15%। ओके, एट वॉट प्राइस शुड ही सेल द रिमेनिंग एप्पल्स टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 27%। ठीक है, तो अगर हम देखें 3600 मल्टीप्लाई बाय 1/5 करेंगे, क्योंकि 1/5 उसने बेचा है कितने पे, 10% का लॉस पे, यानी -10% कर देते हैं, प्लस 2
एट ज़ीरो इंटू 1/4, 1/4 तो उसने कितने पे बेचा है, 5% के लॉस पे, प्लस 2160 इंटू 2/3 उसने किस पे बेचा है, उसने बेचा है 15% के प्रॉफिट पे, प्लस 720 इंटू एक्स परसेंट हमें पता करना है एंड इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3600 इंटू 27। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो गया हमारे पास -7200 -3600 एंड ये हो गया +2160 एंड 720x इज इक्वल टू 3600 इंटू 27, राइट। तो अगर हम यहाँ से एक एक ज़ीरो हटा दें सब में, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 हट गया, तो ये कितना हो गया, अब 72 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना, -10 -5 +30 एंड x इज इक्वल टू, एक्स इज इक्वल टू 3600 इंटू 27 एंड ये गया कितना, 5 times, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 15x इज इक्वल टू 5 इंटू 27 और ये गया कितना, 3 times, ये गया 1 और ये गया 9 times, यानी कि ये 15 प्लस x था ना, ये 15 प्लस x की वैल्यू है हमारे पास 5 इंटू 27 और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 135 माइनस 15 विच इज़ इक्वल टू 120, ठीक है। अब हमें क्या बोला है, रेस्ट ऑफ द एप्पल्स हमें पता करना है, रेस्ट ऑफ द एप्पल्स कितने पे बेचे जाएंगे, तो हमारे पास रेस्ट ऑफ द एप्पल्स कितने हैं, 720 इंटू 100 प्लस 120, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 720 इंटू 220। अगर जब आप इस परसेंटेज इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाना चाहिए 1584। मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं बची है, एक बार आप इसको फिर से सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है कि 4 men and 6 women कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days वाइल 3 men and 7 women कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 days, इन हाउ मेनी डेज 25 women कैन कंप्लीट द वर्क। तो फोर मेन जो है और 6 women कितने दिन में कर लेती हैं, 8 दिन में कर लेती हैं, इक्वल टू 3 men plus 7 women कितने दिन में कर लेती हैं, 10 दिन में, तो ये गया 5 times, ये गया 4 times, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई हमारे पास 16m plus 24w इज इक्वल टू 15m plus 35w। तो मेन और वीमेन का रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11/1। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, किसी एक में पुट कर लेते हैं तो इसी में पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 plus 77 इंटू, नहीं मेन का कितना है, मेन का 11 है ना, तो ये हो जाएगा 33 plus 7 इंटू 5 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया हमारे पास 40 इंटू 10, 10 है ये, 40 इंटू 10 विच इज इक्वल टू 400, ठीक है। तो 25 women, वीमेन की एफिशिएंसी है 1, यानी कि हमारा आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 25 एंड इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो 4 इंटू 100, तो ये कैलकुलेशन में इजी हो गया, ये हो गया यानी 16 डेज में 25 women सारा काम कंप्लीट कर देंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये बोल रहा है हमें कि द फॉलोइंग पैराग्राफ शोज द सेल ऑफ बुक्स इन 1000 फ्रॉम 6 branches ऑफ पब्लिकेशन कंपनीज ड्यूरिंग द 2 consecutive years 2018 and 2019। ओके, द सेल ऑफ 6 branch फॉर बोथ द ईयर्स इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सेल ऑफ 3rd branch ऑफ बोथ द ईयर्स। तो 6th branch है हमारे पास ये वाली एंड इसका जब हम टोटल निकालते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 plus 80 विच इज़ इक्वल टू 150।
वहीं पर अगर हम थर्ड ब्रांच को निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 95/110 विच इज़ इक्वल टू 205। रिक्वायर्ड परसेंटेज हमें निकालनी है, दैट इज़ 150 डिवाइडेड बाय 205 इनटू 100, एंड ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20 और ये हो जाएगा हमारे पास 41। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, हमारे पास आंसर आना चाहिए 73.17 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये पूछा है व्हाट इज़ द रिमाइंडर व्हेन 8 to the power of 8 प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो अगर हम देखें इसको अगर हम डिवाइड करते हैं 8 by 8 को तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/8 का रिमाइंडर प्लस 6, डिवाइड बाय 7 करते हैं तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7/7 यानी कि रिमाइंडर हो गया हमारे पास 0 विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई विच विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, तो अगर हम देखें इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको यहाँ पे ले जाते हैं पहले तो, ठीक है एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 1 - y + y / 1 - y, तो ये और ये तो कैंसिल हो गया यानी कि यहाँ आ गया 1 और 1 बाय ये ऊपर चला गया तो अब क्या आ जाएगा 3y / 1 - y इज इक्वल टू 2, ये हो गया कितना 3y और 2 - y इज इक्वल टू 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3y इज इक्वल टू 4 - 2y एंड 5y की वैल्यू आ गई 4, y की वैल्यू आ जाएगी 4/5 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है कि इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 13 टाइम्स द क्वोशेंट एंड 6 टाइम्स द रिमाइंडर, इफ द रिमाइंडर इज 39 देन व्हाट इज द डिविडेंट। तो हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो डिविडेंट होता है वो होता है डिवाइजर इनटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, तो ये हो गया हमारे पास कितना है, ये डिवाइजर की अब निकाल लेते हैं हम, डिवाइजर क्या है, ये है 6 इंटू रिमाइंडर और रिमाइंडर हमें कितना दे रखा है 39, तो ये हो जाएगा कितना 6 × 39 विच इज इक्वल टू 234 और डिवाइजर हमें ये भी पता है कि 13 × quotient होगा, क्वोशेंट हमें कितना, डिवाइज़र हमें पता चल गया 234 है तो 234 डिवाइडेड बाय 13 कर लेते हैं तो क्वोशेंट कितना आ जाएगा, क्वोशेंट आ गया हमारे पास 18, ये हो गया क्यू और ये हो गया हमारे पास डी। डिविडेंट हमें पूछा है, डिविडेंट निकालने का फॉर्मूला हमें अब पता चल गया तो ये हो गया क्या, ये हो गया 234 इनटू क्वोशेंट कितना आया 18 प्लस 39, ये हो गया कितना, ये देखिए 8 × 4 = कितना होता है 32 और 2 को लास्ट में अगर 9 से ऐड करेंगे तो लास्ट में 1 आना चाहिए और 1 सिर्फ इसी में है तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये बोल रहा है कि इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 6 देन sec अल्फा इज इक्वल टू। ओके, तो अगर हम इसका ट्रायंगल बना लें तो ये कुछ ऐसा बनेगा 6/1, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी √37 और sec हमें पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूस बाय बेस, तो हाइपोटेन्यूस आ गया √37 और बेस है हमारे पास 1 यानी कि sec अल्फा हो गया हमारे पास √37 विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 एंड इट इज़ सेइंग स्टडी द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज, द इम्पोर्ट इन 1977 ये इज़ अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी टाइम्स
इन द ईयर 1976. ओके, तो अगर हम ये निकालें, 2700 जो कि इंपोर्ट है किसका, 1976 का ये वाला, इन टू एक्स इज इक्वल टू 3600. ये हमसे पूछा गया है. 0 से 0 कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 36/12, 27, और ये हो जाएगा कितना, 12, और ये हो गया 9, ये हो गया 4, और ये हो गया 3, विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 1.33 टाइम्स. तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट हो गया. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, एंड ये कह रहा है कि इन अ फॉलोइंग फिगर देर आर टू सर्कल दैट टचेज ईच अदर एक्सटर्नली. द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल इज 25 एंड रेडियस ऑफ सेकेंड सर्कल इज 4. फाइंड द लेंथ ऑफ देयर कॉमन टेंजेंट. ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट की लेंथ निकालने के लिए क्या होता है, 2 × r × r. तो ये हो गया कितना, 2 × 25 × 4, विच इज़ इक्वल टू 100, और 100 का रूट होता है 10, यानी ये हो गया 2 × 10 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव इज y माइनस 1/y इज इक्वल टू 4, देन वॉट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस वन. ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं y प्लस 1/y में, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा रूट 4² + 4, विच इज़ इक्वल टू √20, और ये हो जाएगा 2√5. अब अगर हमें निकालना है y क्यूब प्लस 1/y³, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 2√5 का क्यूब माइनस 3 × 2√5. तो ये हो गया कितना, ये हो गया 40√5 माइनस 6√5 इज इक्वल टू 34√5. ठीक है, अब अगर हम इसको स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें तो ये हो जाएगा वाई की पावर 6 प्लस 1/y की पावर 6 इज प्लस 2 इज इक्वल टू 1 × 5 6 × 5, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5780 माइनस 2, इस 2 को उधर ले गए हैं, तो ये हो जाएगा 5778, विच इज ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, एंड ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो ये देखिए, ये आर एंगल ऑफ आर्क है, और ये पाई इंटू 2r लिख सकते हैं हम, तो ये लेंथ ऑफ द आर्क को मेजर करने के लिए होती है. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, एंड ये बोल रहा है कि अ थीफ Seeing a policeman from a distance of 400 meters starts running at the speed of 16 km/h. The police chased him immediately with the speed of 18 km/h and the thief was caught. What is the distance run by thief before he was caught by the policeman? देखिए, डिस्टेंस था दोनों का 400 meter, रिलेटिव स्पीड थी इन दोनों की 18 − 16, विच इज़ इक्वल टू 2 km/h. इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा कितना 40, यानी कि हमारे पास टाइम आ गया है कितना, टाइम आ गया है हमारे पास 2720 सेकेंड्स. और हमें पूछा है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस रन बाय थीव, थीव की स्पीड कितनी थी, तो वो थी 16, और टाइम इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स पर सेकेंड में, दैट इज़ 5/18, और टाइम है हमारे पास 720 सेकेंड्स. तो अगर हम इसको सॉल्व कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 9 टाइम्स, और ये हो गया हमारे पास 360, ये गया 40 टाइम्स, राइट. तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 3200 meters, विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास. अ ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू अ जॉब इन 13 डेज, बट 9 मैन लेफ्ट द वर्क आफ्टर ईच डे. द ग्रुप एज अ रिजल्ट गॉट
द वर्क एज द रिजल्ट गॉट कम्प्लीटेड इन 16 डेज हाउ मैनी मैन आर इनिशियली इन द ग्रुप. ठीक है, तो अगर हम देखें ये हो गया एक्स, देन है हमारे पास एक्स माइनस 9, फिर है हमारे पास एक्स माइनस 18 और ऐसे चलते चलते लास्ट में आ जाएगा हमारे पास एक्स माइनस 135 इज़ इक्वल टू एक्स इंटू 13. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, इसको हम सम ऑफ एन नंबर से करेंगे तो ये कितना होता है एन बाई 2 ए प्लस एल. एन कितना है हमारे पास, एन है 16 बाई 2 इंटू ये हो जाएगा कितना एक्स प्लस एक्स माइनस 135 इज इक्वल टू 13 एक्स और ये हो गया 16 8 इंटू 2 एक्स माइनस 135 इज इक्वल टू 13 एक्स और ये हो गया 16 एक्स माइनस 8 इंटू 35 ही रखते हैं अभी 135 इज़ इक्वल टू 13 एक्स और 13 एक्स को उस तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 8 इंटू 135 और ये हो गया कैंसिल कितना 45 टाइम्स में, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 360 persons were there, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये बोल रहा है कि अप्लाई टू अ बिल फॉर ₹50,000 द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 40% एंड टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36% and 4% इज. तो पहले इसका इफेक्टिव डिस्काउंट निकाल लेते हैं, दैट इज 36 + 4 - 36 × 4/100 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 - 1.44 तो ये हो गया 38.56. तो अब हम माइनस कर लेते हैं 40 - 38.56 इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो गया 1.44 और 50,000 का 1.44 हमें निकालना है परसेंटेज में तो ये हो गया 100 से डिवाइड, 0 0 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा दोनों एंड इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 720 विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20. राजू एंड रजत वर्किंग टुगेदर टेक 5 डेज टू कम्प्लीट अ पीस ऑफ वर्क एंड इफ राजू अलोन कैन डू, तो राजू एंड रजत जो है वो 5 दिन में काम ख़त्म करते हैं और राजू जो है वो कितने दिन में कर लेता है, वो कर लेता है 7 डेज में. एलसीएम आ गया 35, ये हो गया 7, ये हो गया 5. ठीक है, तो हमें पूछा है कि रजत कितने देर में कर लेगा, तो दोनों की एफिशिएंसी ये है, राजू की 5 है तो रजत की कितनी होगी, 2. तो 35/2 डेज में रजत जो है वो काम ख़त्म कर लेगा विच इज़ 17.5 हमारा आंसर आ गया. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 एंड ये बोल रहा है हमको कि आउट ऑफ टोटल टॉफीज 1/10 वर वेस्टेड, 35% ऑफ द रेस्ट आर गिवन टू एस एंड 1/8 ऑफ द टोटल इज गिवन टू एन. इफ द टॉफीज विद एन आर 10 मोर देन वेस्टेड टॉफीज देन हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन टू एस. ओके, तो मान लीजिए कि हम क्या करते हैं, टोटल टॉफीज जो है हम मान लेते हैं 200 हैं, तो वेस्टेड कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 200 इंटू 1/10 विच इज इक्वल टू 220 यूनिट्स वेस्टेड हो गई. रिमेनिंग टॉफीज कितनी बच गई हैं, ये बच गई हैं 180. अब इसमें से 35% यानी कि एस को कितनी दी गई हैं, 180/35 विच इज इक्वल टू 63 एंड वहीं पर एन कितनी के पास कितनी है 1/8 ऑफ 200 विच इज़ इक्वल टू 25. बट हमें बोला क्या गया है 25 ये है, हमें बोला गया है कि 25 माइनस 20 की वैल्यू है 5 यूनिट्स आगे, बट ये है 10 यूनिट्स के अकॉर्डिंग क्योंकि 10 मोर बोला है तो यानी कि ये 2 टाइम हो गया. ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो एस के पास जब 63 है तो ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो ये कितना हो गया 126 टॉफीज दी गई थी एस को विच इज़ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये बोल रहा है कि अ फील्ड इज़ 150 meters लॉन्ग एंड 80 meters वाइड, हाउ मैनी टाइम्स राउंडेड ऑफ टू 1 decimal point
ए इज़ द पेरीमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगनल, ठीक है। तो डायगनल के लिए क्या होता है हमारे पास, ये होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। लेंथ है हमारे पास कितनी, 150 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, राइट, इंटू एक्स करते हैं हम, इज इक्वल टू पेरीमीटर कितना है, ये हो गया 2 × 150 × नहीं, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस 80, तो ये हो गया कितना 225000 प्लस 6400 प्लस एक्स इज इक्वल टू 460। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 170। ये वैल्यू है, डिवाइड पे नहीं ले जाना। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 460 डिवाइडेड बाय 170 विच इज इक्वल टू 2.7, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, एंड ये बोल रहा है कि व्हेन टू सर्कल ऑफ रेडियस R1 एंड R2 हैव अ सेंटर एट डिस्टेंस डी अपार्ट, देन द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट इज, तो हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज डी रूट ऑफ डी स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, एंड ये बोल रहे हैं कि कॉस ए की वैल्यू 1 है और साइन बी की वैल्यू ये है, तो इसका हमें वैल्यू पता करना है, ठीक है। तो कॉट ए 1 कब होता है, 45 पे, और साइन हाफ कब होता है, 1/√2 कब होता है, ये होता है 45 पर। तो यानी कि ए की वैल्यू 45 है, बी की वैल्यू 45 है, तो यहाँ आ जाएगा कितना, साइन 90 माइनस कॉस 90। तो साइन 90 कितना होता है 1, कॉट 90 कितना होता है हमारे पास, ये होता है 0, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, विच इज़ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, एंड ये बोल रहा है कि इफ़ इसकी वैल्यू इज़ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन, ठीक है। तो अगर हम ये करें कि दोनों साइड x से डिवाइड कर दे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू 15, 15 मैं उस तरफ ले गई हूँ ऑलरेडी। अब अगर हम ये करें कि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 225, और माइनस 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 223, ठीक है। अब हमें पता करना है x की पावर 4, x की पावर 4 माइनस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये वाला देख रहे हैं, देखिए इसको आप ओपन कर लीजिए, ये बेटर रहेगा। एलसीएम ले लीजिए, x की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 223 एक्स की पावर स्क्वायर, एक्स की पावर 4 माइनस 223 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एक 6 है, तो यानी कि 5 हमारे पास बच गया, और वो हमारा आंसर आ जाएगा, विच इज़ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर, एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।